गांव में बांध या पोखरा देखे? हाँ, पानी कहाँ से आता? आसमान से। आसमान से जितना पानी आता है पोखरा पोखरा फुल हो जाएगा? नहीं, उतना तो नहीं। फिर नहीं पता। एक कैचमेंट एरिया होता है। कैचमेंट एरिया माने जहां पर बांध पोखरी डैम बनाया गया वहां पानी घुसेगा तो उतना बड़ा जगह होगा, उधर बारिश होगा, सारा पानी आके बांध में घुसेगा, नदी तय होते हुए बांध में घुसेगा, उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। तो आप अगर नेचुरोपैथी सेंटर यहां चलाना चाहते हो या कहीं भी चलाना चाहते हो, पेशेंट कहां से आएंगे? हाँ, इसके लिए तो सर्वे करना पड़ेगा। यहां रूम बंद कर देना, इतना मोटा मोटा गद्दी ले आना, डाल दो, एसी लगा के सो जाओ, बाहर बोर्ड लगा दो। नेचुरोपैथी सेक्टर 2 में भी वैसे ही हो रहा है, सब सो रहे हैं। पेशेंट आएंगे? नहीं आएंगे। तो तुम्हारा हॉस्पिटल के लिए, नेचुरोपैथी सेंटर के लिए, पंचगव्य हॉस्पिटल के लिए क्या चाहिए? कैचमेंट एरिया चाहिए, जहां तक आप पहुंचोगे वहां से उनके पास जब सेवा देने के लिए जाओगे, वहां जब रिजल्ट दे दोगे छोटा छोटा शिविर करके जी, तो फिर दौड़ेगा पीछे पीछे, हमारा बीमार है हमें ठीक करो। हम अगर उल्लू पाथी में घुसेंगे, नोचिंग होम में जाएंगे, नोचवा के आएंगे 50-60 हज़ार 1 लाख, पहले तुमसे ट्रायल करते हैं, अगर 5,000 रुपया में हो जाए तो। और देखो तुम्हारा अगर पीरियड गुड चल रहा है, वेरी गुड पीरियड चल रहा है, इस फैक्टर में शुभ ग्रह का दशा चल रहा है जी। अभी तुम किसी को ऐसे रगड़ के दूब घास या बालू भी फूं करके दे दोगे ना, बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है? हाँ, ये पता, ये सिक्योरिटी मैं किसी को नहीं बताता हूं। जिसका अगर सॉलिड हाउस में शुक्र बैठा हो या बृहस्पति बैठा हो या शुभ बुध बैठा हो, महादशा चल रहा हो, और उसके ऊपर जो ऐसा अश्विनी नक्षत्र एक नक्षत्र है वो देव वैद्य है, देव वैद्य उसका नक्षत्र मिल गया हो, ऐसा व्यक्ति को कोई नेचुरोपैथी पंचगव्य एक्यूप्रेशर सिद्ध विज्ञान पढ़ने का जरूरत नहीं। ऐसे पेशेंट को देख देगा ठीक हो जाए, फू कर देगा ठीक हो जाए, धूल ऐसा पकड़ेगा फू कर देगा ठीक। अति अविश्वासी है ना, तो ऐसा जाके ना रोड का धूल ले आएगा, राख ले आएगा, कुछ भी पाउडर लाएगा, ऐसे करके बोलेगा इसको शाम को 2 घूंट पानी के साथ, इसको दोपहर को, इसको दोपहर को, ले ठीक हो जाएगा। ये महाशक्ति दिखाऊंगा? नहीं, सही बात है, समय बड़ा बलवान वही है। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी पेशेंट को हाथ मार दे, तुम तो एक्यूप्रेशर देते हो, तुम एक बार छू लेना एक बार, ठीक हो जाए। नहीं नहीं सर, आपने जो जो टेक्निक वो सिखाया है या जो भी है इस लाइन, मैं तो आपसे बड़ा तो प्रभु के बाद बस आपका ही नंबर है, वो तो उतना बड़ा तो नहीं है। नहीं, अब सुनो, नहीं, है बिंदु, जब गांव गांव जाओगे छोटा शिविर करो, इंटीरियर गांव पे जाओ छोटा शिविर, मैं नहीं कह रहा हूं बड़ा शिविर, बड़ा टेंट, बड़ा माइक, बड़ा लाइट, नो, छोटा सांप ज्यादा जहर, छोटा सा टेबल, फोल्डिंग चेयर, दो पीछे बैनर 200-200 रुपया का, भाई जो भी बीमारी है आ जाओ, पहला 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो नहीं आएंगे, 5वां दिन धीरे धीरे जब विश्वास होने लगेगा फिर पेशेंट संभाल नहीं सकते, हाथों हाथ वहीं मिट्टी पट्टी देकर ठीक करोगे, मिट्टी में गाड़ कर ठीक करोगे, फूंक के ठीक करोगे, झाड़ फूंक के ठीक करोगे, ठीक है ना। और जब पेशेंट ठीक होने लग जाए ना और ताकत है तो बेड में ना इतना नीम का पत्ता भी लेके जाओगे और इली गिली 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 फू कर दोगे ठीक हो जाएगा, तो लोग दौड़ेंगे तुम्हारे पास। आप देखो बेग में पकड़ के घूम रहा हूँ ना बिना फालतू, कहीं मौका मिला फूक दिया, सुबह सुबह एक कप बोला आना था मेरे को, बड़ा रिक्वेस्ट करके, मैं किसी का घर जाता नहीं ना, लेकिन इतना रिक्वेस्ट रो रो के रात को फोन किया तो मैं गया, तो रास्ता में मेरे को हो गया कि समझ में कि इसका ये प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो फिर पेड़ से थोड़ा चल किसका पास प्रॉब्लम है आ जाओ, फूक ठाक के ठीक करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी है ना भाई, भूत तो कोई होता नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन साइकोलॉजी आदमी के ऐसा होता है कि अभी तो डरो इंसानों से डरो। हाँ, तो हाँ, तो मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं भूत पकड़ा, भूत नहीं पकड़ता साइंटिफिकली वो। सर एक दिन कौन सा दिन आप मेडिटेशन देंगे या योग निद्रा? हाँ वो तो दे दिया जाए, अभी गाँव पे जाना लोगों का। सर मेरे को भूत चाहिए ना, कुछ तो चाहिए, एक दो जन, मैं कौन सा जगह नहीं उतना जानती। सुनो जो तुम देखियो, मैं अच्छा कितना साल से, 16 साल से है। हाँ, मेरे से हाँ, एक दोस्त का मेरा नाम बोलो। मेरे को पता है आप अकेले, आप में वो है,
ठीक है ना, है हाय फ्रेंड है, आते जाते खिलाते पिलाते वो सब है, लेकिन मैं किसी के पास बैठ के टाइम बर्बाद करूं या खट्टीबाजी करूं या तुकबंदी करूं? आप अकेले ही निकल नहीं, यदि तोर डाक सुने सुने केव ना आए तबे तुम्ही अकेला चलो, अकेला चलो रे न हो साथ कोई अकेले चलो तुम, गीत है या याद है कि नहीं? अकेले सब जगह चलती हूं, बस सब चीज के लिए चाहिए बस, तो चलोगे काम हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हारे पास वो शक्ति है, क्वालिटी है, कैपेसिटी है, तुम कहीं भी चले जाओ, सब नहीं मेरा कुछ दिया हुआ नहीं, इट इज योर ओन एनर्जी दिया हुआ, जो ज्ञान है कुछ ज्ञानों को मैंने उसको पकड़ के रखा है कि हाँ मेरे सर ऐसे बोलते हैं, मेरे गुरु जी ऐसे, उसी को लेके जितना सकते उतना उतना तो ज्ञान नहीं है आपका, तो भैया धूल भी नहीं है उतना नहीं है। अरे वो मैटर नहीं है ना भाई, हाँ आप समझो पहले मैं क्या समझ गई, लेकिन अकेले नहीं, मुझे तो एक दो जन चाहिए ही चाहिए। हाँ एक दो जन चाहिए, फिर ढूंढो। हाँ। जन्म किसके साथ हुई थी? अकेले। मरोगे किसके साथ? अकेले। फिर काहे आके दो आदमी ढूंढ रहे हो कि कब जाएगा तो करेंगे? यही है जिंदगी का, लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मैं जब किसी को ढूंढता हूँ, डीपी देखिए पढ़िए, उसमें व्हाट्सएप डीपी।